बीजेपी एनआईए के साथ अलायंस करके चल रहा है, ये झूठा इल्जाम है, राजनीति से प्रेरित है। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। 21 में जब अरेस्ट हुआ था कुछ लीडर लोग, तब ममता बनर्जी ने खुद निजाम पैलेस में धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार का घर में जब रेड हुआ था, उन्होंने धर्मतला में धरना प्रदर्शन किया। इसका आदत ही है, जो बाद आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया ना धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में, ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है, सेंट्रल एजेंसी को डरा रहा है। और एनआईए हमारी देश हित में काम करता है, देश के अंदर देश के बाहर जो ताकत देश विरोधी काम कर रहा है वो पीएफआई हो सकता है, सिमी हो सकता है, हिजबुल मुजाहिदीन हो सकता है, उसका खिलाफ सिमी हो सकता है, उसका खिलाफ काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देश का पार्लियामेंट एनआईए को दिया है। एनआईए को अटैक करना, देश को संविधान को अटैक करना और हायर जुडिशियरी को अटैक करना, ये बात एक ही है। इसलिए एनआईए शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। एनआईए के ऊपर जो हमला हुआ, एक केस सीबीआई को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जो हमला किया सबको तुरंत अरेस्ट कर देना चाहिए। आज ममता बनर्जी बोला है कि मिचिल करे लेकिन दंगा मत करो, बीजेपी दंगा करेगा, 19 अप्रैल को वोट है और भी 17 अप्रैल को दंगा करेगा। ये हर साल रामनवमी का पहले गुमराह करने का काम और पोलराइजेशन करने का काम ममता बनर्जी खुद करती है। ये बहुत खराब इंसिडेंट है। दूसरा समुदाय का जुलूस में ममता बनर्जी साइलेंट रहती है, इसलिए कुछ नहीं होता है। और जब सनातनी का त्योहार आता है, ममता बनर्जी ने खुद पिछले साल ममता बनर्जी ने खुद आग लगाई, इसलिए डालखोला शिवपुर हावड़ा और रिसड़ा में इतना राम भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ, उसमें भी एनआईए हुआ है हाईकोर्ट का ऑर्डर से। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट उनका पिटीशन रिजेक्ट सेट असाइड कर दिया। इसलिए इस बार चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, स्टेट में सीएपीएफ मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको हमारी जो रिलीजियस राइट है उसको परफॉर्म करने का मौका देना भी चाहिए और पीसफुल तरीके से भी होना चाहिए। और दूसरा समुदाय का लोग को मैं अपील करूंगा, ममता जी का चक्कर में मत पड़िए। और जो पिछले 7-3 प्लेस में दंगा फसाद हुआ, इस बार मत कीजिए, सब एक साथ काम करना चाहिए। कुछ दिन बाद ईद का त्यौहार है, उसका बाद यहाँ बंगाली न्यू ईयर्स का त्यौहार है, उसका बाद रामनवमी है। सब हम लोग मिलजुल के भाईचारा मनाते हुए हमारी त्यौहार मनाइए, ममता बनर्जी का चक्कर में मत पड़िए।